लगा दी जाएगी जो चिप को चार्ज करने और डेटा को एक ऐसे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने में सक्षम होगी जिसे हाथ पर पहना जा सकता है, एक रिस्ट बैंड की तरह। यानी इस तरह के चिप लगाकर इंसान एक साइबर्ग में बदल जाएगा, जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके कई अंगों की जगह कंप्यूटर्स ले लेते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं और इनकी संख्या 8,600 करोड़ से ज्यादा होती है। जितने भी जीव जंतुओं के पास रीढ़ की हड्डी होती है उन सब की तुलना में इंसान के मस्तिष्क का आकार शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा है। औसतन एक इंसान के दिमाग का वजन 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। पैदा होने के एक वर्ष के अंदर ही इंसान के मस्तिष्क का आकार 3 गुना बढ़ जाता है और ये 18 वर्ष की उम्र होने तक बड़ा होता रहता है, विकसित होता रहता है। अक्सर ये माना जाता है कि इंसान अपने मस्तिष्क की क्षमता का 10% भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वैज्ञानिक इस तथ्य से सहमत नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान अपने मस्तिष्क की क्षमता का इससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल करता है और 10% मस्तिष्क का इस्तेमाल तो आप सोते समय ही कर लेते हैं। सबसे मजेदार तथ्य यह है कि अगर किसी इंसान के मस्तिष्क को सीधे काट दिया जाएगा तो मस्तिष्क को दर्द का एहसास नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क में दर्द का एहसास दिलाने वाले रिसेप्टर्स हैं ही नहीं, होते ही नहीं है। लेकिन हमारे शरीर में जब भी कहीं दर्द होता है तो शरीर ये सिग्नल दिमाग तक पहुंचाता है और तब हमें दर्द महसूस होने लगता है।